करते हैं। आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गो डायमंड। और आप सभी को स्वागत है आज की सुबह के जूम सेशन पर। और आज का जो टॉपिक होने वाली है दोस्तों, जो एटीसी ट्रेनिंग पर चल रही है, 100% यूजर टीम प्लेयर बने, और इसका बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और प्रगति सूत्र पेज नंबर 62 और 63 नंबर, क्या आप सभी ने पढ़ के आए? क्या आप सभी ने पढ़ा? तो चलिए, एक एक मिनट के लिए मैं आप सभी से पूछूंगा, एक एक पॉइंट बताइए आपने क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले पूछते हैं हम तारा शर्मा जी से पूछेंगे। तारा शर्मा मैम बताइए। नमस्कार महागुरु जी और नमस्कार। पैनल में उपस्थित सभी लीडर को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सिक्किम तारेतांग के रहने वाली हूँ और 100% यूजर सर। पहले खुद ही यूज़ करना पड़ेगा, फिर दूसरे को यूज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा। पहले खुद यूज़ नहीं किया है तो दूसरे को हम कैसे बता सकते हैं, यही समझ में आ गया गुरु जी मुझे। अच्छा ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लीडर ओमवती मैम। नमस्कार महागुरु जी, पैनल पर उपस्थित नमस्कार। सभी जांबाज लीडरों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ से बिलोंग करती हूँ सर। 100% यूजर और टीम प्लेयर के बारे में आपने पढ़ने को कहा था जी। 100% यूजर अपनी वेबसाइट के बारे में हम नियमित मतलब उसे खोल कर देखें, उसे हर चीज उसका देखें, प्रोडक्ट के जो है पहलुओं पर और उनकी खूबियों पर क्या खूबी है उन पर हम चर्चा करें। और टीम प्लेयर के बारे में मतलब अपनी अपलाइन से काउंसलिंग कराएं और टीम के साथ मिलकर चलिए चर्चा करें। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है, रामावता सर जी। नमस्कार महागुरु जी, हाँ पैनल पर उपस्थित नमस्कार सर। सभी गुरुओं। हाँ सर जी, कल ऐसा हुआ कि कल आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी सर जी। कल मैं कुछ सुन नहीं पाया सर जी, और कल दिन में ऐसा रहा, कल हमारे यहाँ भाई की तैरवी थी, सारा दिन मेरा व्यस्त रहा, मैं कल कुछ कर नहीं पाया सर जी। फिर रात पढ़ने का सोचा, जब ये प्लान आ गई सर जी 10 साढ़े 10 बजे से मैं वह कर पाया सर जी। अच्छा कोई बात नहीं सर, ठीक है, ओके। ठीक है ओके। तो कल पढ़ के आइएगा, प्रगति सूत्र 62 और 63 नंबर पढ़ के आइए आप। हाँ, कल क्या पढ़ाया था सर जी? कल जो जो पेज नंबर आपका वही 60-61 में पढ़े थे हम लोगों ने, फॉलोअप के बारे में ही है ना, फील्ड नहीं, फ्रेंड टॉपिक क्या काउंसलर। था? टॉपिक क्या टॉपिक था सर? हाँ, तो फॉलोअप के जो महत्वपूर्ण सवाल ही जवाब है, ये किताब के बारे में हमने बताया था। वीडियोस तो हमने शेयर ठीक है किए, वीडियोस भी आप देख सकते हैं ग्रुप सर में जी, देख शेयर हुआ लो। थी। हाँ सर जी, कल ऐसा हो गया मेरा देख नहीं पाया, कल मैं सारे दिन यहाँ भाई की यहाँ तैरी हुई थी, उसकी मैं कर नहीं पाया कल सर। कल वाला ट्रेनिंग कल आप मैं सुनना कल वाला ट्रेनिंग आप सुनना चाहते हैं तो ग्रुप में मैंने भेज दिया हूँ वीडियो। मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरा, वहां पर मैंने कल का जो क्लास का वीडियो हमने डाला हो, उसको आप सुन सकते हैं, सुनने के बाद आपको समझ सकते हैं। ठीक है सर जी, आज मैं उसे देख लूंगा सर जी। हाँ ठीक है, ओके। और इसको देख लीजिएगा, और कल के लिए ये 62-63 नंबर पढ़ के भी आइएगा। ठीक है, ठीक है सर जी, थैंक हाँ। पढ़ने में यू मैंने सर देखा, जी। पढ़ के देखा, इसको कुछ भी नहीं लगता, 5 मिनट में पढ़ जाते हैं, 5 मिनट में ये कुछ नहीं है। नहीं आपकी सर सही बात, ये तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैं जब भी कल बैठा, जब भी फिर वो शाम के समय मेरा मौका लगा पढ़ने का, जब भी एक लीडर की फोन आ गया, उनको आप प्लान दिखा दो आगे, फिर मैं शाम को रात लेट से प्लान दिखाई दिया, फिर जाके अच्छा, फिर आप 11 साढ़े 11 दस बजे प्लान दिखाने चले गए थे, तो बहुत बड़ी बात है, हाँ तो सर सारी होना चाहिए। देखो शाम के टाइम में आदमी 8 बजे सोता है, लेकिन रामावता सर जी रात को 10 बजे प्लान दिखाने के लिए गए, बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि आपका मैंने विचार। प्लान डाल रखी है सर जी ग्रुप पे जी। हाँ देखा हूँ मैं, देखा हूँ। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट लीडर इस लड़ा था मैम। माँ गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, और पैनल्स में सभी लीडर्स को नमस्कार सर। मेरा सर मेरा नाम स्नेहलता है जी, मैं फजलपुर गांव से बिलोंग करती हूँ सर। जब हम प्रेजेंट फॉलोअप के लिए जाते हैं तो सर उसका 24 घंटे से और 48 घंटे के बीच में सर फॉलोअप हो जाना चाहिए जी, नहीं तो सर वो जो हम उसे बोलते हैं तो उसका 48 घंटे के बाद में सर
वो माइंड से निकलना शुरू हो जाता है सर, और उसके परिणाम 50% ही सर निकलते हैं जी। और सर फॉलो अप हम जो कराते हैं, या तो सर हम करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर अपने अपलायंस हमें करवाने चाहिए सर, और उसकी सकारात्मक जानकारी होना देनी चाहिए सर हमें। और प्रेजेंटेशन सर ताजा ताजा ही दिखाना, मतलब अगर हमने दिखाया सर वो भूल गया तो सर हमें उसे दोबारा भी दिखाने के लिए सर होना चाहिए जी। और फॉलो अप करते समय सर हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि फॉलो अप हमारा 24 घंटे में ही होना चाहिए, और सर उसके घर में, या तो सर उसके घर में हो या फिर जहाँ पे भी वो, मतलब सर टाइम एडजस्ट करे, और मतलब कहीं पे सर भीड़ भाड़ ना हो सर, वहां पे ही फॉलो अप होना चाहिए जी उसका, और उसकी जानकारी सर हमें 24 घंटे के अंदर ही दे देनी चाहिए सर उसको जी। धन्यवाद सर जी। इसने लगा मैम, ये पेज जी नंबर सर जी 62 63 नंबर, पेज नंबर इसका इसका आपने पढ़ क्या है? हाँ जी सर जी यस तो बताइए ये, 1 मिनट। सर, यूजर 100% यूजर बने सर। सर हमारी सर जो वेबसाइट है सर, जो हमारे प्रोडक्ट है सर, हमें अपने सभी को बताने चाहिए सर हमें, और अपने नेटवर्क का समय जो अंतराल के माध्यम हो सर, उसे एसोसिएट से मुलाकात होनी चाहिए सर, और उनकी समस्याओं का सर जो भी समाधान है सर, हमारा जो नेटवर्क है कि हमारी कंपनी बोलते हैं कि कंपनी उस पर नहीं है, तो सर उनकी जो भी कंपनी दिखानी है सर, हमें अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं, सारी चीजों का सकारात्मक सर उनका हमें वो करना चाहिए, बता देना चाहिए, और अपनी जो हमारे सर प्रोडक्ट है उनकी खूबियों के बारे में भी बताना चाहिए सर, और अपनी कंपनी की, जो हमारी सर कंपनी है कि हमारी कंपनी 23 साल से चली हुई है सर, उसकी चर्चा भी हमें उनके करनी चाहिए, और नेटवर्क की उपलब्धियों के बारे में कि भाई नेटवर्क हमारा बहुत अच्छा है, और जो भी मतलब यहाँ पे सर जानकारी है कि बहुत टाइम लंबे टाइम तक चलेंगे, लोग बोलते हैं कि ये तो भाग जाएगी सर, तो सर भागने वाली हमारी सर जो कंपनी है ये भागने वाली नहीं है सर, ये लंबे समय तक हमारी चलने वाली है, तो सर उसको उसकी जानकारी भी देनी चाहिए सर। और सर जब टीम टीम प्लेयर बने सर, टीम प्लेयर का जो मतलब उसको समझा के रखे कि हमारा जो टीम प्लेयर है, बोलते हैं कि चैन वाला सिस्टम है सर, ये सर चैन वाला सिस्टम नहीं है, ये सबको समझा के रखे कि ये सबको साथ लेकर चलने वाला सर बिजनेस है जी। और अपने अपलाइन के सर निरंतर संपर्क में रहना चाहिए, जो हमारे सर अपलाइन है डेली सर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए, जो सर हम अपना काम करते हैं, और उन्हीं के परामर्श से ही सर हमें यहाँ पे काम करना चाहिए सर। और अपनी डाउनलाइन के साथ में सर जो चर्चा करते हैं जी, उनका जो उन्होंने बताया कि भाई हमें समस्या है, तो सर उन समस्याओं का समाधान भी सर हमें करना चाहिए जी, अपने अपलाइन से पूछ के करें तो सर ज्यादा बेटर रहता है जी। और अपनी टीम को सर हम अपने नियमानुसार, मतलब जो हमारे अपलाइन है उन्होंने जो रूल बना रखे हैं सर, उनको वहां पे जैसे मीटिंग ट्रेनिंग हुई तो सर उनको वहां पे लेके जाना चाहिए सर। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी, हाँ नमस्कार सर। ओके। हाँ अर्चना पाल मैम, प्रणाम अग्रु जी, पैन प्रपोसी सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना देहरादून से, और यहाँ राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज में मैं असिस्टेंट टीचर के पद पर रहते हैं, सेल्स शॉप में काम कर रही हूँ। सर हमारा प्रगति सूत्र का 62 पेज नंबर जो है 100% यूजर, तो 100% यूजर में पहले हमें खुद कंपनी की जो वेबसाइट है www.safeshopindia.com उसका पता होना चाहिए, उस पर आईडी खोलना बंद करना, और कंपनी की जितनी भी ईमेल्स हैं उन ईमेल्स पे हम कंपनी से किस तरह हम काम कर सकते हैं, जैसे किसी का पैन कार्ड ऐड कराना है या किसी का केवाईसी करना है, तो ये जो बेसिक काम है किसी की आईडी बनाने के या आईडी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, और ये हमें अपने साथ आने वाले लोगों में शेयर करनी चाहिए। और लोग बिजनेस में आते हैं और काम करना शुरू करने में उन्हें कुछ समय लगता है, क्योंकि हर एक का रूटीन अलग अलग है, तो अपने कोई भी जो ऐसा एसोसिएट है जिसको काम करने में दिक्कत आ रही है, उससे मिलके बातचीत करके और उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समाधान करने का प्रयास हमें करना चाहिए, तो हम 100% यूजर हैं। और हमारे प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट में कौन सी अच्छाई है वो पहले हमें, जैसे हमारे यूट्यूब पे सेल्स ऑफिशियल जो है हमारा चैनल, उसमें हम प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, ताकि हम उसको बिल्कुल आसानी से बता सके, शेयर कर सके। और कंपनी की उपलब्धियां की जैसे बात है कि कंपनी के 100% यूजर अगर हम बनते हैं, तो कंपनी की कोई भी उपलब्धि हो उसका पहले हमें खुद पता होना चाहिए। अब जैसे हमारी कंपनी जलतारा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो वहाँ 50 गांव में खेती के लिए पानी पहुंचा चुकी है,
महाराष्ट्र में या अपना स्कूल जैसे प्रिजनर के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एक एनजीओ के थ्रू, तो इस तरह कंपनी का जो विजन है वो बहुत बड़ा है, और ना कि सिर्फ पैसा कमाना बल्कि सोशल एक्टिविटीज में जहाँ वो इन्वॉल्व है उसकी हमें जानकारी हो तो हम बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को बता सकते हैं। और दूसरा सर, ये टीम प्लेयर की बात थी, तो टीम प्लेयर में अपनी टीम के साथ सामंजस्य बना के रखना है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ लोग आते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग अलग होता है, तो उस तरह अलग अलग विचारों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलने के लिए हमें बहुत ज्यादा मतलब सहनशील धैर्यवान होना चाहिए, सबकी बातों को सुने और बेस्ट समाधान देने लायक हमें खुद बनना चाहिए सर। अपलाइन और डाउनलाइन हम दोनों से अपना संपर्क ऐसा बना के रखें कि हम दोनों के साथ सहज रूप से हम काम कर पाए, तो अपनी जो डाउनलाइन है उससे भी हम चर्चा करते रहें, जो भी काम करने में उनको समस्या आ रही है और उनकी समस्याओं को जान के हम उनको एक सोल्यूशन दे सके तो हम बड़ा काम कर पाएंगे सर। और टीम के जो भी नियम है या सिस्टम के जो भी नियम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जो भी नियम है, उनको हम पहले खुद जाने और फिर अपनी जो भी साथ एसोसिएट हमारे साथ आते हैं उनमें वो फॉरवर्ड करने का हम पूरा प्रयास करें, खुद जितना कर सकते हैं उतना करें, अगर हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने अपलाइन के साथ करें। और उसके बाद मैंने पढ़ा था सर कि जैसे हम काम करते हैं कि दूसरा प्रोस्पेक्ट आ जाता है उस पर हम अपना हक ना जताएं, कभी कभी वेन्यू प्लान में कोई हमारा परिचित किसी और के साथ आ जाता है तो उसका हमें ध्यान रखना है। काउंसलिंग की अगर बात करें तो सफल अपलाइन के सहयोग से समस्याओं का समाधान करने वाली बात है, तो वो हमारी समस्या भी हो सकती है, हमारी टीम के किसी एसोसिएट की समस्या भी हो सकती है, तो हम अपने जो भी हमारे सफल अपलाइन है, जो हमारे एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ साझा करके वो समस्या समाधान करके हम काम करने में आगे बढ़ें। एडिफिकेशन की बात करें सर, तो एडिफिकेशन होना चाहिए कि एक एक अच्छा सा शानदार सा परिचय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी कंपनी का परिचय हमें देना आना चाहिए, अपने सिस्टम का परिचय हमें देना आना चाहिए, अपने अपलाइन का परिचय हमें देना आना चाहिए और अपने डाउनलाइन का परिचय भी हमें देना आना चाहिए। और उस परिचय में कोई भी बात ऐसी ना हो जो गलत हो, उस परिचय में कोई भी बात ऐसी ना हो जो झूठ हो, वो एक अच्छा और उसको जैसे कम्युनिकेशन स्किल को अगर हम डेवलप करते हैं तो वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा परिचय हम दे सकते हैं सर, मैंने ये सीखा है। और इसके अलावा सर, अजीत आपकी बुक का जो 5 पेज थे जो मेरी थोड़ी भी बची है वो पढ़े थे सर, धन्यवाद सर, नमस्कार सर, सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लीडर सरिता छत्री मैम। प्रणाम मागुरु जी, पैनलिस्ट में उपस्थित सभी दमदार लीडर को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा नाम सरिता छेत्री, मैं सिक्किम रानीपुल को रहने वाली हूँ। मैं एक्स पंचायत 100% यूजर के बारे में बताने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। 100% यूजर बनने के लिए खुद का प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्ट आप यूज करना पड़ेगा। खुद आप यूज करने के लिए दूसरा को प्रोस्पेक्टो बताना आसान हो जाएगा। 100% यूजर बनने ऑफलाइन ऑफलाइन या डाउनलाइन के साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। टीम प्लेयर बने अपने ऑफलाइन से निरंतर संपर्क बनाकर रखे। जो भी सिस्टम है ये कंपनी में निरंतर रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम करना पड़ेगा। अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। वो 100% डायमंड बनने के लिए 100% यूजर बनना पड़ेगा, टीम प्लेयर बनना पड़ेगा गुरुजी। ऑफलाइन का एडिफिकेशन अच्छे तरीका से सीख के आप करना पड़ेगा। थैंक यू गुरुजी, इतना ही बोलना चाहूंगी। ठीक थैंक है, यू सो मच। सारे लीडर आप प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों का प्रयास करने का तरीका अलग अलग है ना, सभी का परफॉर्मेंस अलग अलग है, इसीलिए किसी को थोड़ा सा जल्दी इम्प्रूव हो सकता है, किसी का इम्प्रूव होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी से कम है। यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे हैं और सभी लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, इस चीज को अलग रूप से देखना है, ठीक है, पॉजिटिव नजरिए से। तारा शर्मा मैम। आपको थोड़ा आज जल्दी चलाना पड़ेगा ये माइक को अनम्यूट करने के लिए, 5 सेकंड ले लेती हो जी मैम, बोलिए।
क्या हो गया मैम? अच्छा ठीक है, ओके, आप और बढ़िया से पढ़ के आइएगा, ठीक है? चलिए, महारानी शेरनी जी, आपने पढ़ के आई? माँ गुरु जी को मेरा नमस्कार जी और नमस्ते। सभी दमदार लीडर के। और जी मैंने पढ़ा है इसमें कि हमें 100% लूजर बनना चाहिए, ताकि मतलब अपने अपलाइन के माध्यम से सलाह करके लेकर चलनी चाहिए, मतलब सीखना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें अपने अपलाइन से लेनी चाहिए और सारे प्रोडक्ट हमें यूज करने पड़ेंगे। अगर नहीं भी यूज़ ओके, जानकारी तो खुद ही नहीं होगी तो हम चर्चा कैसे कर पाएंगे। हमें अच्छे से जानकारी करनी चाहिए अपने गुरु जन से, और यूज अच्छी बात है। महारानी शेरनी जी का नेटवर्क कम होने की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस तो पड़ जी रहा, हम सीखने का यहाँ नेटवर्क डिस्टरबेंस होने की वजह से महारानी शेरनी जी आपका थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए, अभी सुनाई दे रहा है। जी, मेरा कहना है कि हम अपने गुरु के माध्यम से पहले सीखे, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी जो नहीं है वो जानकारी ले, और तब बताने में हमें आसानी होगी। सबसे अच्छी बात है हम जब सीख लेंगे, अपने प्रोडक्ट देखेंगे खोल, हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो हम अच्छे से जानकारी दे पाएंगे लोगों को, और उन्हें समझा पाएंगे कि हमारे यहाँ इतना अच्छा प्रोडक्ट है, हमने उसे इस्तेमाल किया है, हमारे गुरु ने इस्तेमाल किया है, तो आप भी यहाँ से लो और इसे इस्तेमाल करो। उन्हें इस तरीके से हमें समझा सकते हैं। और जी सबसे बड़ी बात है ये कि हमें अपने अपलाइन से, मतलब जो काम करते हैं या कोई काम करने जा रहे हैं, अपने अपलाइन से सलाह लेनी चाहिए हमें, मतलब उन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि सर या सर की जरूरत होती है तो उन्हें एक दिन दो दिन पहले ही बता देना चाहिए, सर जी हमें आपकी जरूरत है, हम इस काम में अभी सीख नहीं पाए तो आपके सहारे की जरूरत है, तो आपको आना है या कुछ भी, तो उनसे पहले ही सलाह लेनी चाहिए, और अपनी टीम वर्क से भी मिलके रहना चाहिए, उनसे ऐसी सलाह बनानी चाहिए कि दिल का कनेक्शन होना चाहिए, जो उनकी कोई भी समस्या हो उनमें हम अच्छे से हल कर पाए मिलके साथ में, और हमसे ना हो तो हम अपने अपलाइन का सहारा ले, लेकिन सबकी मदद के साथ में हम इस बिजनेस को करें और आगे बढ़े। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है? हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है, और आप सभी लोग लीडर्स ने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। फिर भी और डिटेल में आपको करना है, क्योंकि एक बार में तो आप कर नहीं पाएंगे। जब 20 बार इस किताब को पढ़ेंगे और इस पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे और 20 बार आप प्रयास करेंगे और फील्ड में भी प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझाना आ जाएगा, ठीक है? सबसे बड़ी बात होती है कि सारा चीज सिर्फ जानकारी नहीं, कोई भी चीज काम करने से पहले उसकी जानकारी जरूरी है, जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस, कोई भी चीज आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आप उसमें अव्वल बनते हैं, बहुत बेहतर लीडर आप बन सकते हैं, ठीक है? तो आइए, थोड़ा सा मैं एक एक पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों में बारीकी से बताना चाहूंगा, हमारे पास में समय मात्र 16 मिनट का टाइम बाकी है। 100% यूजर का मतलब क्या है? नंबर 1, कंपनी की वेबसाइट का नियमित उपयोग करें जिससे उत्पादों की जानकारी बढ़ती रहे, है ना? आपको आप गूगल में जाइए, आपको थोड़ा सा एंड्रॉइड फोन चलाना सीखना है, यदि नहीं आता है तो चलाना सीखिए, और www.safeshopindia.com, है ना, इसका पूरा है, या तो फिर आप सिर्फ सेफ शॉप SAFE और स्पेस SHOP सेफ शॉप पे सिर्फ करके आप जाएंगे तो वहां पर उसका मेन वेबसाइट मिलेगा, तो उसमें क्लिक करेंगे तो वहां पर आप जा करके आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, और लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालने के बाद उसको ओपन करना आपको आना चाहिए, है ना? आप वहां पर क्या क्या सीखना आना चाहिए, आपको आईडी बनाने के लिए, है ना, न्यू जो आपका आईडी होता है उस कैसे उसको बनाया जाए, कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाए, प्रोडक्ट कैसे देखा जाए, है ना, और प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाए और उसको ऑर्डर कैसे किया जाए और उसको आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाए, ठीक है? और आपका इस हफ्ते में, वीक में, लेफ्ट और राइट में कितना सेल्स जाते हैं, वो मेरा लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है ना, और टारगेट क्या है, SCC क्या है, ये सारा चीज आप जब वेबसाइट को खोल करके देखते रहेंगे, खुद चेक करेंगे,
तो क्या आपको शुरुआत में नहीं आता तो एक दो बार अपना अपलाइन से सीनियर से पूछिए, है ना। तो उस तरह से आप अपना वेबसाइट में जाकर के आपको आईडी खोलना आना चाहिए, है ना, आईडी बनाना आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो, पेमेंट करना हो, आपका सेल्स क्लोजिंग कितना हो, टारगेट में आपका कितना सेल्स है लेफ्ट राइट में, ये सारा चीज आपको आना चाहिए वेबसाइट। वो वेबसाइट में ही जाकर के अपने अकाउंट पर, आपका दुकान तो खुल गया है ना, लेकिन अकाउंट दुकान को खोल करके आपने देखा नहीं क्या है क्या नहीं है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 3 4 5 महीने हो जाते हैं लेकिन फिर भी आईडी भी खोलना नहीं आता। अपना आईडी भी खोल करके देखते नहीं कि मेरा सेल्स लेफ्ट राइट कितना जा रहा है, मेरा टीम साइज कितना हुआ है, मेरा लेवल कौन सा है, मेरा रैंक कौन सा है, मेरा इस वक्त का वीक का चेक कितना है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा हम थोड़ा सा लापरवाह होते हैं, है ना, हम उस चीज को समय लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करना है, सही है। तभी आप बहुत अच्छे से आप हर कुछ आप खुद सीख पाएंगे तो बहुत अच्छे से आप ना काम को कर पाएंगे, ताकि आपका आपका अपलाइन हमेशा जीवन भर तो आपको साथ में नहीं रहने वाला है। आप जब काम सीख जाते हैं तो आपका नॉलेज और आपका ज्ञान आपके साथ में होगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे, तो आप कभी भी आपको धोखा नहीं होगा, आप अपने टीम को संभाल सकते हैं, है ना। इसीलिए अपने नेटवर्क का समय अंतराल पर अध्ययन करें तथा कमजोर एसोसिएट का एसोसिएट से मुलाकात कर उसकी समस्या को समाधान करें। मतलब अपने नेटवर्क का, आपका लेफ्ट राइट में कितना टीम है, आपका टीम साइज क्या है ना, आपका कितना का चेक बना है, और अब अगला लेवल आपका ब्रॉन्ज कब हाँ अचीव हो सकता है, या फिर आप सिल्वर रहे तो सिल्वर कब अचीव हो सकता है, इस तरह से आपको देखना है। आईडी के ना डाउन में देख जा करके देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। तो और उसमें से आप अपना टीम में डाउनलाइन में उस सभी लोगों को आप टूल्स दीजिए, उनके एफआईएम कीजिए उनको, है ना, और जूम मीटिंग पर भी बुलाइए उनको। मतलब उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उनको जूम मीटिंग पर बुलाना पड़ेगा आपको उसको, ना, और उसको एफआईएम करनी पड़ेगी। और वो शुरू शुरू में उसको जितना भी मन में डर होता है, किताब पढ़ना उसको नहीं आता है, सिस्टम का पावर नहीं समझ पाते हैं, तो आप उनसे जाइए, उनके घर में जाइए, या तो अपना घर में चाय के लिए बुलाइए और किताब पढ़ करके सुनाइए उनको, सिखाइए, है ना। इस तरह से आपने अपने टीम में जितने भी लीडर्स हैं, शुरू शुरू में तो कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, थोड़ा सा कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन हम सभी ने क्या करना है, हमारे टीम को बढ़िया तरीके से सिखाने में फोकस करना है। कमजोर जो हमारे टीम में जो सबसे ज्यादा कमजोर हो, जो सीखना सीखने में असमर्थ हो रहा हो, तो उसको सिखाने के लिए क्या करना है, उनके साथ में संपर्क बना करके उसको क्या प्रॉब्लम है उससे पूछिए और उसका समाधान करना है। इसको बोलते 100% यूजर लीडर। और अपने उत्पादों की खूबियों तथा उनके अच्छे पहलुओं पर सदैव चर्चा करते रहें। जैसे कि हमारे पास सेफ शॉप में, सेफ शॉप हम लोगों का ऑनलाइन खुद का बिजनेस है, खुद का दुकान है, और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, तो हमें खुद को मालिक को तो पता होना चाहिए ना। इसमें नहाने का साबुन मिलता है ना, तेल मिलते हैं, शैम्पू मिलते हैं, हल्दी मिर्च सब कुछ मिलता है ना। नोनी जूस बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन है। उसकी जानकारी आप तभी ले पाएंगे, है ना, जब आप थोड़ा स्टडी करेंगे, आप खुद भी घर में मंगाएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, आप उस चीज़ को फील करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज होगा, है ना। टूथपेस्ट का क्या क्या फायदा है, नोनी का क्या क्या फायदा है, ब्रेन बूस्टर का क्या क्या फायदा है ना। हमारे पास काजू किशमिश किस तरह का है, हमारे पास में जो ग्रासिम का सूट लेंथ है, लरन एलरन की साड़ी की क्वालिटी क्या है, हमारे पास में जो सेफ एयर का जो ट्रेवल है ना बैग्स है उसमें क्या क्वालिटी है, ये क्वालिटी के बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से आप जानकारी लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता, संपूर्ण हनुमान है ना, रामायण हो गया, उसमें जो फीएचएस है, वो सारा चीज़ का आपको जानकारी अच्छे से होगा, तो प्रोडक्ट को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे, सही है। तो ये आपको मतलब बोलते ना कि जब ये मिस्त्री मिस्त्री को यदि करने ही नहीं चलाना आया, तो फिर वो कैसे घर बनाएगा, चिनाई कैसे करेगा, यस नो। ड्राइवर को गाड़ी चलाना नहीं आता, फिर वो गाड़ी कैसे चलाएगा, सही है। तो इस तरह से हमें हर कोई व्यक्ति को जो काम को कर रहे हैं उस काम को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये 100% यूजर में एक लीडर के अंदर ये चीज जानकारी होनी चाहिए। कंपनी की उपलब्धियों तथा भविष्य की चर्चा करते रहे। पिछले 24 सालों में कंपनियों में कितने हजार लोग करोड़पति बन चुके, कितने लाखों लोग विदेश यात्रा जा चुके हैं, कितने लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, है ना, और लगातार 24 सालों में क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं सेफ शॉप कंपनी ने, तो उनकी जानकारी अच्छे से समझनी है। बहुत सारे लोगों को आप किस कंपनी में काम करते हो पूछने से भी उनको ये पता तक भी नहीं होता कि भाई मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, और सीधा वो दोष दे देते हैं कि मैंने सीनियर ने तो मेरे को बताया ही नहीं, मेरे सीनियर ने बताया नहीं, मेरा लॉगिन आईडी क्या जानते हैं, क्योंकि वो हम लापरवाह हैं, हम थोड़ा देखते नहीं है, है ना। तो हमें एज ए स्टूडेंट के रूप में इस बिजनेस को बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमको थोड़ा सा समय देना चाहिए सीखने में। नेटवर्क की उपलब्धियों की चर्चा करते रहें तथा जानकारी रखें।
है ना, आप अपना बिजनेस में लगातार कौन कौन टीम, कौन कौन लीडर्स बहुत अच्छे से अचीवमेंट ले रहे हैं, लगातार अचीव करते हुए लेवल अचीव कर रहे हैं, रैंक अचीव कर रहे हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं, पूरी टीम में इस तरह से अपने टीम में चर्चा करते रहने से क्या है, टीम में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल बना रहता है ना। और कोई हर कोई व्यक्ति कौन सा कहाँ से कौन सा काम से प्रेरित होकर के बहुत बढ़िया काम करना शुरू कर दे कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए हमेशा टीम को उपलब्धियों की चर्चा बिल्कुल उसके साथ में करते रहना चाहिए। टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने टीम के साथ सामंजस्य बना करके रखिए। सामंजस्य मतलब क्या है, तालमेल बना करके काम करिए अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ। तालमेल बनाने के लिए बहुत बहुत अच्छा कारगर एक चीज क्या होती है कि एक दूसरे की कमी को नहीं देखना है, एक दूसरे की अच्छाई को देखना है ना। हम लोग अधिकतर सिविल में क्या होते हैं, हम सभी लोग एक दूसरे का थोड़ा सा अच्छाई तो नजदीक में बोलते हैं, लेकिन बुराई जो होते हैं उसकी उसकी नोट करते हैं और किसी और के सामने में हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, हमें सामने भी पीछे भी, हमें हर व्यक्ति के सामने उनके बारे में अच्छी बातें करना चाहिए। तो ये इससे एक अच्छा संस्कार डेवलप होता है अपने टीम में, है ना। तो बहुत सारे टीम है ना, आपका 50 हो चाहे 200 250 300 होने के बाद में भी उसका टीम सारा का सारा बर्बाद कब होता है, जब एक दूसरे का कमी के बारे में बातचीत कर चर्चा ज्यादा के साथ चलता हो। हमेशा चर्चा होनी चाहिए सफलता का, हमेशा चर्चा होनी चाहिए प्लान का, हमेशा चेक बनाने का, एक दूसरे को सम्मान का, विदेश यात्रा अचीव करने का, उन्नति करने का ही बातचीत चर्चा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्या करना है, इंसान है, अपलाइन भी इंसान है, डाउनलाइन भी इंसान है ना, और सभी लोगों को सफलता चाहिए। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, ना कि टांग खींचना चाहिए, सही है। तो इसलिए सामंजस्य बना करके रखिए और अपलाइन की बातों को ना काटे, अपलाइन की बातों को मानिए, है ना। अपलाइन को कभी भी आंख ना दिखाए, अपलाइन को कभी भी आपने उनकी बातों को नहीं काटना है, उनकी बातों का अपने सम्मान सहित आप मानना है। आप यदि मानते हो तो आप बहुत अच्छा क्या बनते हैं, एक शिष्य बनते हैं, तो आने वाला दिन में बहुत अच्छा आप है ना गुरु भी बनेंगे, आप लीडर भी बनेंगे। तो संस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ये आपको अपने अंदर में चुनाव करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, ये आप कर सकते हैं, सही है। तो अपने अपलाइन से निरंतर संपर्क बनाए रखिए। अपलाइन क्या है, अपलाइन इज लाइफ लाइन, अपलाइन से हमेशा संपर्क में रहेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन आपका 11,000 का एनर्जी का वोल्टेज आपको हमेशा मिलता रहेगा। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी प्रॉपर आपको जानकारी हमेशा रहेगी, क्योंकि अपलाइन हमेशा सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है ना, जिसके लिए वो ऑलरेडी उस क्षेत्र में सफल है, तो अनुभवी है, तो आपको कुछ दे ना दे लेकिन बहुत अच्छे से गाइडलाइन दे सकती है, है ना, जिससे आप बहुत अच्छे से आप उस चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए डेली कॉल करना चाहिए, एक दिन एक डेली कॉल नहीं करेंगे तो एक दो दिन बात कर कीजिए, लेकिन नियमित संपर्क में बने रहना चाहिए। जो संपर्क टूट जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, ये 100% है। अपने डाउनलाइन से चर्चा करते रहें तथा उसकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का प्रयास करें। समस्या क्या क्या आ सकता है, किसी का पैसा कंपनी में भेज दिया, प्रोडक्ट नहीं आया, किसी का ग्रेनिंग नहीं हुआ, है ना, तो किसी ये सारा सारा कंपनी के लिए एक बराबर ही है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी अपलाइन से प्रयास कीजिए सीखने का, मेल करना हो, है ना, प्रॉब्लम सोल्यूशन करना हो, आईडी ग्रीन नहीं हो रही हो, प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो एक्स वाई जेड, आपको अपने डाउनलाइन का सोल्यूशन करना चाहिए और अपने अपलाइन से सीखना चाहिए, और जल्दी से आप सीख जाएंगे तो कल सारा का सारा समस्या का आप खुद कर पाएंगे, है ना। अपने टीम के नियमों का कठोरता से पालन करें। टीम का नियम क्या है ना, टीम का नियम सिस्टम में जो बोलता है, अपलाइन जो बोलते हैं, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग हो गया, 10 कोर स्टेप्स हो गया, 3 कार्डिनल रूल्स हो गया, है ना, 10 आपका जो है मैजिकल क्या है आपका मंत्र है जो कि डायमंड बनने का, उस चीज को फॉलो करेंगे, उस चीज को आपने संग मुट्ठी बांध करके उस चीज को मानना है, सही है। ऐसा बनेंगे तो बहुत अच्छा आप टीम प्लेयर बन सकते हैं, और टीम का खिलाड़ी बनेंगे तो ऐसा टीम का खिलाड़ी को सारे डाउनलाइन उनको पसंद करेंगे, है ना, और अपलाइन भी पसंद करेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत फलेगा फूलेगा। टीम का अर्थ है टूगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, मतलब यहाँ पर अकेले अकेले जीवन में कभी भी महान सफलता को हासिल नहीं कर सकते। आज तक हम असफल इसलिए हैं कि जीवन भर हम अकेले अकेले पैसे कमाई करने के लिए भागे, लेकिन सेफ्स ऑफ बिजनेस क्या है, टीम वर्क का बिजनेस है। हम सभी यहाँ पर हमेशा हर सप्ताह में ग्रुप मीटिंग करिए, हर सप्ताह में आपको वेन्यू जाना चाहिए, है ना, कोशिश करिए जब भी फ्री टाइम हो अपने अप्लायंसेस परामर्श लेकर के काम को कैसे बेहतर किया जाए, है ना, उसे सीख करके आगे जिम्मेदारी से काम करने के लिए सोचना चाहिए। तो टुगेदर मिल करके ही बड़ा काम हो सकता है, अकेले अकेले कभी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर बताया है टीम का मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा अच्छा लीडर बने कि नो क्रॉस लाइनिंग,
दूसरे प्रोस्पेक्ट पर अपना हक न जताना, है ना। यहाँ पर बताया गया है कि जब कभी भी प्रेजेंटेशन होता है चाहे वेन्यू प्लान में, तो हो सकता है कि कोई दूसरा एसोसिएट हमारे किसी परिचित को प्लान दिखाने के लिए पहले से आमंत्रित किया हो और हम उसे, है ना, वेन्यू में देख ले, तो एकदम ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो हमारे परिचित है उसे दूसरा एसोसिएट कैसे बुला सकता है? उचित आमंत्रित को, उस आमंत्रित को तो हमारे नीचे आना चाहिए। ऐसा सोचना सिस्टम और बिजनेस के सिद्धांत विरुद्ध है, है ना। इसलिए तो आपसे कहा जाता है कि एक बड़ी लिस्ट बना करके उस आधार पर लिस्ट में लिखे सभी नामों से संपर्क कर उन्हें प्लान दिखा दे। मतलब आप बताइए, आप जिस गांव में रहते हैं, आपका रिश्तेदार 20-30 है, तो क्या आपके गांव में तो आपका दोस्त साथी भाई भी तो है, समाज भी तो है, तो समाज के लोग मिलाएंगे तो आप 250-500 लोगों को जानेंगे। तो 500 लोगों में से कोई एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, श्याम हो सकता है, राम हो सकता है, तो क्या आपके रिश्तेदार को वो नहीं जानता? आपका आपका वो ना जो साथी है, जो आपका फ्रेंड है, उसका भी तो उसका भी तो दोस्त होगा ना आपका रिलेटिव वाले, तो क्या उनको लिस्ट में नहीं ला सकता है? कोई भी किसी का भी लिस्ट में ला सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, जिसने जिसका पहले सबसे पहले लिस्ट लाया उसको निमंत्रण करके उसको प्लान दिखाया होगा तो हक उसी का होगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं खून का रिलेशन ही मेरे साथ में जुड़ना चाहिए, ऐसा बोलेगा तो फिर कोई कोई भी व्यक्ति, आपका तो खून का जान पहचान तो सिर्फ 20-30 ही है, बाकी बात तो 400-500 लोग तो आपको जान पहचान नहीं है। तो सभी लोग बिल्कुल स्वार्थ भावना से बिल्कुल काम ना करें, तो हमें सिस्टम को, एथिक्स को फॉलो करते हुए काम करना चाहिए, सही है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, ये टीम प्लेयर में आ रहा है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, नो क्रॉस लाइनिंग एक हो गया, क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है, और क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है मतलब किसी भी हो, चाहे आपका अपना हो, किसी के द्वारा उनको लिस्ट में बुला करके उसको प्लान दिखा चुका हो और उसको जुड़ने के लिए बोला हो, तो आपका उस आपका चाहे कितना भी अपना हो आपका हक नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही किसी और ने लिस्ट में ला करके उसने प्लान दिखाया, उसने मेहनत किया है, तो हमने कभी भी उसको अपना है खून है बोल करके हक नहीं जताना है। तो ऐसा करेंगे ना तो ईमानदारी पर हमारा दाग लगेगा और हम फेल हो जाएंगे, सही है। तो अभी 2 मिनट ही बचा हुआ है, तो ज्यादा नहीं, और 10 मिनट के लिए आगे और ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये पॉइंट्स बचा हुआ है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, सफल अपलायन के सहयोग से समस्याओं का समाधान। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, सफल अपलायन के द्वारा जो सहयोग लेकर के समस्या जितना भी आती है उस समस्याओं का समाधान कैसे करें, उनसे सलाह मशवरा, उसको बोलते हैं काउंसलिंग, सही है। आप सुने होंगे कि अपलायन के द्वारा कभी काउंसलिंग मीटिंग वहां पर है, इसका मतलब आप अपने टीम को काउंसलिंग कराते रहना चाहिए अपने अपलायन के द्वारा, क्योंकि आप तो प्लान फॉलोअप पर तो फील्ड में जाते रहते हैं, लेकिन उनको ना वो बोलते हैं ना घर का मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना है। आप चाहे अपलाइन के साथ कभी भी कितना भी मिलकर के काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा अपलाइन को गुरु के रूप में मानना है। जिस तरह से आप माँ को, पिताजी को सम्मान करते हैं, उस तरह से अपने अपलाइन को, गुरु को सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा अवेलेबल है बोल करके उनकी कमी को देख करके हम उनसे ना सम्मान करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें डिसिप्लिन व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो हमेशा हमें सफल अपलाइन के द्वारा जितना भी सहयोग लेकर के समस्या को समाधान करना के ऊपर में चर्चा करते रहना चाहिए। काउंसलिंग मतलब है हम अकेले में किसी सफल अपलाइन से बिजनेस में आने वाली समस्याओं का सकारात्मक हल पाने के लिए विचार विमर्श करना, है ना, ताकि आप उस समस्या को समाधान कर सके और आप सीख सके, ताकि आने वाला जितना भी टाइम पर वैसा समस्या आए तो दोबारा से आप उस समस्या को हल कर सको, सही है। जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता है ना, संगठन को मजबूत बनाए रखने की, है ना, भी जरूरत होती है और कवायद भी शुरू हो जाती है। ऐसे में किसी सफल अपलाइन के तजुर्बे और सलाह की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे टीम में ज्यादा लोग आना शुरू हो जाता है, ऐसे